वसुंधरा सेक्टर के बैंक्वेट हॉल में आज दोपहर आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। वहीं एक दरवाजा तोड़ने के दौरान चौकी इंचार्ज भी घायल हो गया। CFO राहुल पाल ने बताया है कि दोपहर 2:10 पर बैंक्वेट हॉल में आग लगने के बारे में सूचना मिली। सूचना मिलते ही दमकल की 3 गाड़ियां वैशाली फायर स्टेशन और 1 गाड़ी साहिबाबाद स्टेशन से मौके पर पहुंची। अभी तत्काल 3 गाड़ियां वैशाली फायर स्टेशन से और 1 गाड़ी हमारी साहिबाबाद से घटनास्थल के लिए आई और हमारे कुछ अन्य कर्मचारी भी जो कि घटनास्थल पर पहले पहुंच गए थे उनके द्वारा जो सामने SG होम्स है सोसाइटी से पाइप की सहायता से बुझाना चालू किया गया पानी। साथ में ही रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए लगभग 5 से 6 लोग जो ऊपर थे मौजूद उस समय उनको निकाला गया और नीचे जो कि 50वीं सालगिरह एक दंपत्ति की चल रही थी उसमें 50 से 60 लोग मौजूद थे उस समय। सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था और लगभग 2 से 3 फ्लोर में आग बाहरी साइड जो वायर है और डेकोरेशन का सामान था उसमें लगी हुई थी उसको पूर्ण रूप से बुझा दिया गया। इस घटना में अभी तक कोई भी जनहानि की सूचना नहीं। असर बताया जा रहा है कि जो आग की सूचना थी वो पड़ोस की सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने जो बैंक्वेट हॉल में लोग मौजूद थे उनको बताई जिसके बाद लोगों को निकाला गया। जी ये सूचना बाहर से चूंकि बाहरी एरिया में आग लगी हुई थी अंदर से किसी को पता नहीं चला। बाहर जो भी डेकोरेशन का सामान था उसमें उससे आग की शुरुआत हुई थी तो बाहर से ही सूचना दी गई है और कंट्रोल रूम को जैसे ही सूचना मिली हम लोग ने तत्काल कार्रवाई की। सर फायर फाइटिंग सिस्टम की बात करें तो किस तरह के सिस्टम है यहाँ क्या काम कर रहे थे किस कंडीशन में थे? फायर फाइटिंग इनका काम कर रहा था हम लोगों ने अंदर जो छोटी मोटी आग थी उनके फायर फाइटिंग सिस्टम से ही बुझाई। सर नुकसान की बात करें क्या कुछ नुकसान हुआ होगा और दूसरा आग की सर क्या कुछ वजह समझ में आ रही है? प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट समझ में आ रहा है जो कि बाहर वायरिंग डेकोरेटिव सामान के बीच से गई थी उसी में शॉर्ट सर्किट से आग चालू हुई है। कुछ कमरे हैं जिनमें जो कि कुछ सामान रखा था सोफा है जैसे और डेकोरेटिव सामान था टेबल था फर्नीचर था वो जला है और जिसको पूर्ण रूप से बुझा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट टीम टॉप स्टोरी न्यूज़।